सो ए व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक इशू। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने DZ09 को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। मतलब अपने जो DZ09 स्मार्ट वॉच है उसको एप्पल, मतलब आईफोन जैसा एप्पल स्मार्ट वॉच में सीधे कैसे अपग्रेड कर सकते हो। अब बेसिकली ये जो अपग्रेड करोगे आप, तो ये DZ09 स्मार्ट वॉच पे उतना सूट नहीं करता है जितना A1 स्मार्ट वॉच करता है, A1 स्मार्ट वॉच पे करता है। क्योंकि आप जानते ही हो कि A1 स्मार्ट वॉच जो है वो एकदम एप्पल के आईफोन की कॉपी है। तो अगर आप उस पर ये वाला मतलब कंफिग लगा दोगे तो बहुत सही लगेगा ना, मतलब लगेगा कि रियल एप्पल का, मतलब एप्पल का ही स्मार्ट वॉच है। तभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा लगता है। मैं अपने स्मार्ट वॉच को ऑन करता हूँ तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये अपना जो स्मार्ट वॉच है वो एकदम एप्पल की स्मार्ट वॉच जैसा लॉन्च हो रहा है। नीचे में तो चैनल का बस नाम लगा दिया इसी तरह, तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। और यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा ऑन होने में टाइम लगेगा, बस आपको यही एक डिमेरिट है। थोड़ा सा जब ऑन होगा ना, तो जितना टाइम एप्पल का स्मार्ट वॉच लेता है उतना ये भी लेता है, ठीक है। तो देखा आपने इंट्रो कैसा है, मतलब ये कैसा है। अब आपको ये लगाना कैसे है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसे कैसे लगाना है वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम लोग करते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज़ यार कर देना। नहीं करोगे लाइक तो यार नहीं चलेगा, सीधे बता रहे हैं, नहीं करोगे लाइक तो नहीं चलेगा यार। जब ये फाइल चल रहा है तो कम से कम लाइक तो कर दो भाई, वीडियो पे लाइक कर दो। 100 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज़ कर देना। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग को ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, इसे कैसे लगाना है मैं अभी आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप मीडिया फायर के डाउनलोड लिंक पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे लिखा होगा साफ साफ जैसे आपको साइड में दिख रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आपको जैसे ही उस पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको फिर जो आपका कन्फिग होगा, दो फाइल होंगी। अगर आपको आपके स्मार्ट वॉच में GIF सपोर्ट करता है तो आपको GIF डाउनलोड कर लेना है, अगर GIF का ऑप्शन नहीं देता है तो कन्फिग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से जो भी डाउनलोड करना है सेम प्रोसेस है। डाउनलोड करने के बाद उसे अपने फ़ोन से अपने स्मार्ट वॉच में भेज देना है। ध्यान से सुन लो गाइस, फ़ोन से अपने स्मार्ट वॉच में भेजना है। उसके बाद अपने स्मार्ट वॉच के यहाँ फाइल मैनेजर में जाना है, मेमोरी कार्ड में जाना है। मेमोरी कार्ड में जाने के बाद यहाँ नीचे जाना है, नीचे एक रिसीव नाम का फोल्डर दिखेगा, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आईफोन GIF है, तो मेरे स्मार्ट वॉच में GIF सपोर्ट करता है इसलिए मैं GIF को यूज़ करता हूँ। GIF पे बस इस पर क्लिक करके यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ यूजर्स और पावर ऑन डिस्प्ले, पावर ऑफ डिस्प्ले, आपको जो लगाना है लगा सकते हो। उसके बाद बैक कर देना है, और एक मिनट, बैक कर देना है। बैक करने के बाद अगर आपके पास कन्फिग है, मतलब आपके वाले में GIF सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको कन्फिग को यहाँ ऐड। तो गाइस, कन्फिग वालों को कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। तो कन्फिग वालों को सबसे पहले फाइल मैनेजर में, मेमोरी कार्ड में, उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड आएगा भी, ये रहा, एंड्रॉयड में जाना है, डाटा में जाना है। उसके बाद com.android.providers दिख रहा है यहाँ, com.android.providers, सबको इसमें जाना है, इसमें गया ना, हाँ, एल्बम थम्स में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये आपका कन्फिग आईफोन वाला वर्क करने लगेगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।